हमने ये देखा है कि अगर जो हम पूरा हिसाब देखें, जैसे ऑक्सीजन क्या है, लंग्स की कंडीशन क्या है, ब्लड टेस्ट क्या दिखा रहे हैं, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज क्या है और एज क्या है, ये सब चीजों को मिला के एक सिनारियो बनता है जिसमें हम कहें कि यस आपको हॉस्पिटल आना उचित है। 90% ऑफ जो लोग हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, उनको थोड़ी बहुत एक दो लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम देखते हैं कि इंटरमिटेंटली पड़ती है, तो ठीक है। हम बहुत पेशेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। आप अगर जो उल्टे लेटोगे, जैसे हम हॉस्पिटल्स में भी यही कर रहे हैं, उल्टे लेटोगे तो मिसमैच जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उससे ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग करो, और जैसे जिन लोगों को योगा की प्राणायाम की का नॉलेज है, जैसे अनुलोम विलोम है, उससे अगर जो आप डीप ब्रेथ लेके रोकते हैं तो उससे भी ऑक्सीजन की परफ्यूजन बढ़ती है और लोगों की ऑक्सीजन ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए ये जो घर पे मनूवर्स करनी है वो जरूरी है। एक और भी लोगों में ये फीलिंग आ गई कि अगर जो कुछ तकलीफ है तो रेमडेसिविर लगा दो। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, रेमडेसिविर उन्हीं को लगनी चाहिए जिनको शायद फायदा हो सकता है। रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है, जिनका वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उनके लिए उचित टाइम पे उनको देनी चाहिए। देखो, ये तो जरूरी बात है कि आज के दिन जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, बिकॉज ये जो संक्रमण के नंबर इतने तेजी से ऊपर चढ़े हैं कि जो डिमांड 3 गुना हो गई है जो नॉर्मल होती है। अब उस डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है जो हो भी रही हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि एक तो नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारे पास और उसकी डिलीवरी जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स को हुआ करती थी, आप मेदांता का ही ले लें क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट हैं और हमारी जो कंजम्पशन आज है 4 गुना है जो नॉर्मल होती थी। तो ये सिचुएशन सारी कंट्री में है और ये वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। अब गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर अमल किया है कि एक तो स्टील इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑक्सीजन का अपनी कंजम्पशन के लिए, उन्होंने जैसे टाटा स्टील वगैरह वाले हैं, इन्होंने अपने प्लांट से ये ऑफर किया है कि हम जितनी ऑक्सीजन चाहिए हम देने को तैयार हैं। प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये झारखंड में है या बिहार में है या उड़ीसा में है, तो इसके लिए वो स्पेशल टैंकर चाहिए होते हैं। तो वो स्पेशल टैंकर्स की जो नॉर्मल कंजम्पशन है उससे 3 गुना ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने और कंपनीज ने और जैसे टाटाज ने भी किया है कि ऑर्डर किए हैं ये टैंकर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको हेल्प कर रही है। वो टैंकर्स को हमारे जो बड़े बड़े प्लेन्स हैं रशियन IL-76 उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे आपने शायद फोटो भी देखी होगी। तो अब ये कुछ 2-4-5-7 दिन में इसकी कमी, मतलब ये जो सप्लाई चेन है ये इम्प्रूव हो सकती है। सो गवर्नमेंट की ये एफर्ट जारी है। अब आप ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और जुडिशियसली यूज किया जाए, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमें सब पता है कि इसकी सप्लाई जो है, जो क्रिएशन है इंडिया में, वो इस लिमिट से ऊपर अभी नहीं है, उसकी रैंप अप करी जा रही है और आने वाले दिनों में इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। पर हम डॉक्टरों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 गुना। एक तो जो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उसको ऐसा किया जाए कि एक्सेसिव ऑक्सीजन देने से, जैसे हम सोचे कि 95-97 तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेडिकली कोई जरूरत नहीं है। मेडिकली अगर जो आपको 90 तक पहुंचानी है वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, दुनिया ने भी ऐसा ही किया है कि आप 90 तक पहुंचाएं, उसके ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा देने से वेस्ट ही होगा। दूसरा, जो डिवाइसेस हमारे पास है जैसे हाई फ्रीक्वेंसी है या बायपैप है, उसको भी जो उचित हो उसी को यूज करना है। ये नहीं कि हर एक पेशेंट को जिसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है हम वो हाई फ्रीक्वेंसी लगा दें जो 50-60 लीटर पर मिनट लेती है, उसकी 90% उन लोगों में हम बायपैप से काम लें तो उसमें 10 लीटर लगती है। तो इसलिए ये कई चीजें हम कर रहे हैं हॉस्पिटल में ऑलरेडी, पर ये मैं आप कम्युनिकेट भी करना चाहता हूं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना जुडिशियसली हम करें उतना अच्छा है,
लाइफ बचानी है, जरूर बचानी है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा ना हो कि अननेसेसरी वेस्टेज हुई। जैसे पेशेंट कई बार मास्क उतार रहे हैं, वो 10 लीटर में चल रही मास्क उतार के रख देते हैं, तो वो हवा में जा रही है, उसका तो कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट ही हो गई, वो किसी और पेशेंट के काम आ सकती है। तो आज के दिन डॉक्टरों को, पब्लिक को ये समझना है ये बात के इसकी कैसे इस्तेमाल इसका जुडिशियसली किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक तो दहशत फैल गई है हर एक के, जिसको पैनिक कहते हैं के लोगों में, ये भी असली बात है कि जिसको कोरोना हो गया, कोविड हो गया, अगर जो उनका ऑक्सीजन 93-94 से नीचे आने लगा तो वो घबरा जाते हैं, ये नेचुरल बात है। हमने ये देखा है कि अगर जो हम पूरा हिसाब देखें, जैसे ऑक्सीजन क्या है, लंग्स की कंडीशन क्या है, ब्लड टेस्ट क्या दिखा रहे हैं, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज क्या है और एज क्या है, ये सब चीजों को मिला के एक सिनारियो बनता है जिसमें हम कहें कि यस, आपको हॉस्पिटल आना उचित है। 90% ऑफ जो लोग हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, उनको थोड़ी बहुत 1-2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम देखते हैं कि इंटरमिटेंटली पड़ती है, तो ठीक है, हम ऑल्सो पेशेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। अगर जो 1-2 घंटे तो ये ऑक्सीजन और एयर का मिसमैच होता है, उसकी वजह से कुछ ऑक्सीजन कम हो जाती है, उससे घबराना नहीं। आप अगर जो उल्टे लेटोगे, जैसे हम हॉस्पिटल्स में भी यही कर रहे हैं, उल्टे लेटोगे तो मिसमैच जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उससे ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग करो, और जैसे जिन लोगों को योगा की प्राणायाम की का नॉलेज है, जैसे अनुलोम विलोम है, उससे अगर जो आप डीप ब्रेथ्स लेके रोकते हैं तो उससे भी ऑक्सीजन की परफ्यूजन बढ़ती है और लोगों की ऑक्सीजन ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए ये जो घर पे मनूवर्स करनी है वो जरूरी है। अगर जो आपके घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है या सिलेंडर है तो उतनी ही ऑक्सीजन आप यूज करें जिससे आपकी ऑक्सीडेशन 90-91-92 तक पहुंचे, उससे ज्यादा का कोई फायदा नहीं है उसका। हमें पता है कि 90 के ऊपर का बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और कोई कमी नहीं महसूस होगी। तो ऐसी ऐसी चीजें हम चारों तरफ से करें, एक तो पब्लिक, एक डॉक्टर लोग, और एक हम देख रहे हैं कि जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, तो ये तो नेचुरल बहुत फिक्र है, हमें भी फिक्र है कि भाई हमारी ऑक्सीजन ना खत्म हो जाए। 400-500 पेशेंट है, 150 पेशेंट इंटेंसिव केयर में है, लोग बाहर तकलीफ में है। तो ये मैं अपने डॉक्टर भाइयों को भी ये बताना चाहूंगा कि वो कॉलीग्स को ध्यान रखना चाहिए कि किसको रेकमेंड करना है, इसकी प्रोटोकॉल जो है अवेलेबल है, कि किसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, कि वो परेशान ना हो जाए, क्योंकि परेशानी में और भी शख्स बीमार हो जाता है, फैमिली और पैनिक करती है। तो ये आप सब दवाइयां अप्रोप्रिएटली घर पे प्रोग्राम में करें। इसका मतलब जिसका RT-PCR पॉजिटिव आता है उसको ये नहीं सोचना कि मेरे को अभी भी हॉस्पिटल में पहुंचना, उसको पहले डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। जैसे हमारा हॉस्पिटल है और सब हॉस्पिटल ने एक ऐप बना रखा है जो कोविड ऐप है, आप जैसे मैदानता पे जाएंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, हमारे पास वो आ जाएगा और हमारा डॉक्टर उनको टेलीफोन करेगा। कई बार 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल के ऊपर काफी लोड पड़ा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं दिन रात, पर ये भी समझ लें कि आपकी बारी आ जाएगी, और नहीं आती तो फिर से आप उसको फिल करें और रिमाइंडर दें। तो इसीलिए ये मेजर जो हम एक तरफ कर सकते हैं, डॉक्टर्स की जो होम केयर कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए, ऑक्सीजन की वेस्टेज कम हो जाए और हॉस्पिटल्स भी जुडिशियसली यूज करें, तो ये हम ये ब्रिज कर सकते हैं जो आज के दिन में तकलीफ आ रही है ऑक्सीजन सप्लाईज की। ये तो डर लगता है कि अगर जो नहीं पहुंची तो पेशेंट्स की मृत्यु हो जाएगी, ये तो उससे बड़ी बुरी बात हो ही नहीं सकती किसी कंट्री के लिए और किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी शख्स के लिए। तो इसीलिए हमें ये अपने जो रिसोर्सेज हैं इनको बांटना है केयरफुली, और केयरफुली यूज करना है, क्योंकि ये पता लग गया हमें कि कब ये कैपेसिटी अभी बढ़ रही है, पर जब तक वो इस स्टेज पे ना पहुंचे तब तक हमें अपना पूरा एहतियात रखना है। अब ये सोच लें कि जिन लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में जरूरत है आने की, जरूर, अगर जो जिनको नहीं जरूरत वो आके बेड अगर जो ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जिनकी जान खतरे में उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसीलिए पब्लिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी पैनिक नहीं पर अपनी एडवाइस पूरी ले, अपनी सेफ्टी पूरी इंश्योर करें घर पे,
इससे ये भी होता है कि हर हॉस्पिटल में दो चार बेड रखे हुए हैं इमरजेंसी के लिए। दूसरा ये है कि जिनको घर पे तकलीफ हो रही है या आइसोलेशन की जगह नहीं है, तो आइसोलेशन सेंटर्स कई होटल्स को, जैसे हमने रेड फॉक्स को कन्वर्ट कर दिया, हमने वहां पे हमारे पास 100 से ज्यादा पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है पर ऑब्जर्वेशन की जरूरत है वहां पे है, हमारी नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, और जिसको जरूरत भी पड़ती है ऑक्सीजन की उनको दे देते हैं, और अगर जो ऐसा लगता है कि किसी को हॉस्पिटल में लाना है तो उनको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो लोगों को ये सिक्योरिटी भी हो जाती है। तो ये तीनों चीजों का इस्तेमाल करना है, होम क्वारंटीन, क्वारंटीन सेंटर्स ऑपरेटेड बाय हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल्स, इनको तालमेल करके अगर जो हम चलाएंगे तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी थोड़ी रैशनलाइज हो जाएगी, बेड्स की भी अवेलेबिलिटी बेटर हो जाएगी, और पब्लिक को शांति भी होगी कि हमारी ट्रीटमेंट करी जा रही है। तो जैसे मैंने ये फिर दोहरा रहा हूं कि सिर्फ हमारे डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट हमें टेलीफोन करता है उसको सही एडवाइस दें, ये ना कहें कि जी मेरी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी टल जाती है तो आप हॉस्पिटल ही चले जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर जगह है ही नहीं तो फिर और तकलीफ में आ जाते हैं लोग। ये मेरा मैसेज बहुत क्लियर है मेरे मेरे डॉक्टर्स कॉलीग को और जो हमारे देशवासी हैं और हमारे हॉस्पिटल्स हैं और हमारे ऑक्सीजन कंजम्पशन जो बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा सप्लाई इंक्रीज होगी उतनी ही राहत हमारी कंट्री को मिलेगी। और ये जो जंग है जो हम सब ने मिलकर लड़नी है, डॉक्टर्स तो लड़ ही रहे हैं, पब्लिक हमारा साथ देगी, तो ये जंग हम यकीनन जीतेंगे। गवर्नमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर रोज डिमांड आ रही है, कोर्ट्स भी कर रहे हैं, हम भी उनको अपील करते रहते हैं और रिस्पांस भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, रिस्पांस आ रहा है गवर्नमेंट से कि जहां जहां कोई तकलीफ है वहां पूरी कोशिश करी जा रही है कि इसको पूरा किया जाए। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट जो है ऑक्सीजन का, जो लिमिटेड सप्लाई है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सेंट्रल कमांड हो और वो स्टेट से तालमेल रखें, वो जोनल लेवल मतलब के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर जो वो पूरा सर्किट बन जाए तो ये बात हम इस ये जो आने वाले 2-3 हफ्ते हैं जिसमें तकलीफ होगी उसको हम पार कर सकते हैं मिलके। मैं एक और बात कहूंगा कि एक और भी लोगों में ये फीलिंग आ गई कि अगर जो कुछ तकलीफ है तो रेमडेसिविर लगा दो। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, रेमडेसिविर उन्हीं को लगनी चाहिए जिनको शायद फायदा हो सकता है। रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है जिनका वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उनके लिए एट द उचित टाइम पे उनको देनी चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक ने ये भी मतलब उनको एहसास हुआ है कि कोई एक और मैजिक दवाई है टोसीजुमैब, तो सारा दिन हमें टेलीफोन ये आते हैं रेमडेसिविर दे दो, टोसी दे दो। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन है, ये जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, जो हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि कैसे कोविड को ट्रीट करना है उन्हीं के जरिए ये लगनी चाहिए। ये रैंडम एडवाइस किसी को नहीं देनी चाहिए कि भाई ओ आपको कोविड हो गया रेमडेसिविर लगा लो। रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं होगा, और जब उचित होगा तो जरूर लगना चाहिए। और ये भी है कि अगर जो आप अपनी सेल्फिशनेस में लोग भाग के लगवाने लगे तो जिनको जरूरत है उनकी कमी हो जाएगी। हर चीज की दुनिया में कोई कैपेसिटी होती है, अब कंपनीज ने भी अच्छा किया, उन्होंने रैंप अप करी है प्रोडक्शन, पर उसको वेस्ट नहीं करना है और अननेसेसरी नहीं लगाना है, जो उचित टाइम पे उसकी जरूरत है उस टाइम लगाना है। टोसीजुमैब भी अंडर वेरी स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में लगनी है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए वो सिर्फ एक्सपर्ट सेंटर्स में हो। और टोसीजुमैब की सप्लाई बहुत कम है क्योंकि वो इम्पोर्ट होती है, पर उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट जो लोकली बनता है एटोलीजुमैब, वो भी कभी हम यूज करते हैं जब कोई बहुत मतलब किसी को जरूरत होती है। तो इसीलिए ये सब चीज जो स्ट्रीम है होम केयर से लेके और जो लोग बहुत बीमार हो रहे हैं उन सब के लिए उचित उचित जगह होनी चाहिए। डॉक्टरों को भी यही एडवाइस है, मैं ये बता रहा हूं जैसे हॉस्पिटल्स में, जैसे हमारे हॉस्पिटल में लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे रोज ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हम लगा रहे हैं होम केयर के लिए। और मैं भी आपको बता दूं कि जो लोग पैनिक में टेलीफोन करते हैं उसमें से 75-80% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है और वो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, उनका केयर रखा जाता है और हमारे नेटवर्क में कभी तकलीफ होगी तो उनके लिए कोई इमरजेंसी बेड बनाया जाएगा। तो इसीलिए
मेरी एडवाइस है कि हर एक को जिसको तकलीफ है अपने अपने हॉस्पिटल से लिंक कर लें, अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे लिंक कर लें, जो जो प्राइवेट फिजिशियंस हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, वो भी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लिंक कर लें, तो हमारी ये इस जो केओस है इसके अंदर कुछ ऑर्डर आ जाएगा जल्द से जल्द। ये मेरा मैसेज है, ये मेरी एफर्ट है कि मैं ये कम्युनिकेट करूं एट ऑल थ्री लेवल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।